मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा, भीलों का राजा, मेरा नाम कुएरवा। तुम जानते हो कि तुम्हारे द्वारा बेची गई नशे की गोलियों से तुम्हारा ही भाई नहीं, ना जाने कितने बेटों को तुमने मारा है। अरे धिक्कार है तुम्हारे ऐसे जीवन पर, धिक्कार है तुम्हारी ऐसी सोच पर, जो पैसा कमाने के लिए तुमने ना जाने कितने घरों के लाल को खो दिया है। जब तुम जानते हो, जब तुम समझते हो कि नशे की गोलियों से ये भविष्य बर्बाद हो रहा है, तो इस नशे की आदत को छोड़ क्यों नहीं देते। बहुत बार सोचा, कई बार सोचा कि इस नशे की आदत को छोड़ दूं, लेकिन हर दिन एक नया दुख याद आ जाता है, इसलिए सोच कर पी लेता हूँ, ये सोच कर नशे की गोलियां खा लेता हूँ कि कल तो इन्हें छोड़ ही दूंगा। अरे मैं वो नहीं हूं जिसे समझाया जाए, मैं वो नहीं हूं जिसे सुधारा जाए, मैं वो हूं जिसे अपने हाथों में कोड़ा लेकर जब तक मैं मर ना जाऊं मुझे मारते रहना चाहिए। अरे मुझे जब तक मारो, जब तक मैं मर ना जाऊं, मारो मुझे, मारो मुझे। इस तरह अगर पिटाई से भविष्य बने करते, इस तरह यदि मारने पीटने से लोगों के बुरे कार्य छूट जाते, तो हमारे समाज में इन साधु संतों की कोई आवश्यकता नहीं होती। तुम जानते हो, ना जाने कितने भवों को जीकर यह मनुष्य भव मिलता है हमें। मनुष्य में वो क्षमता होती है कि यदि एक बार अपने मन में विचार कर ले तो हर कार्य को कर सकता है। तुम अपने मन में विचार करो कि तुम्हें हमेशा के लिए इस नरक से बाहर निकलना है, हमेशा के लिए इस नशे की आदत को छोड़ना है। ये सब कहने की बातें हैं, मैं जानता हूं ये सब कहने की बातें हैं। आज तक ऐसा कोई भी नहीं हुआ कि जिसने सोचा हो और वह कार्य कर लिया हो। देखो आज सुबह प्रवचनों में परम पूज्य मुनि श्री निर्यापक श्रमण सुधा सागर जी महाराज ने एक कहानी बताई थी, वो कहानी सुनो। अगर तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन आ जाए तो बड़ा अच्छा होगा। पुराने समय की बात है, घने जंगलों में पुरवा नामक भील रहा करता था। अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जंगल में जाकर जंगली जानवरों का शिकार किया करता था। और एक दिन, अरे आओ रे आओ, मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा, मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा, भीलों का राजा, मेरा नाम कुएरवा, मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा। तो जब मैं जंगल जाता था, शोर मच जाता था, हाथी मेरा साथी था, भालू संग नाचा था। अरे देखो देखो, अरे वो आया, अरे पकड़ो पकड़ो, अरे मारो मारो, अरे पकड़ो, अरे पकड़ो, अरे मारो। अरे ये गया, अरे वो भागा, अरे वो भागा, अरे पकड़ो, अरे मारो, अरे ये भागा, फिर वो भागा, फिर ये भागा।
मैं हूँ भीलों का राजा, मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा। अरे वो देखो ये हिरन है, इसे मार के लाओ, इसे मार के लाओ। अरे शांत रहे, अरे चुप हो जा, चुप हो जा, अरे शांत रहे। मारूंगा मैं, मारूंगा मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा। क्या हुआ जब मैं जाता हूँ ये क्यों छुप जाता है, जब भी पास जाऊँ ये डर जाता है। अरे भागो, अरे वो भागी, अरे ये भागी, अरे ठहर जा, अरे रुक जा तू, अरे पकड़ो पकड़ो, अरे मारो मारो, अरे घेर के लाओ, वहां शोर मचाओ, अरे पकड़ो पकड़ो, अरे मारो मारो। ऐसे करते रहे तो एक भी जानवर को नहीं मार पाओगे तुम। अगर आज किसी को मार कर ना ले गए तो आज भी बच्चे भूखे रह जाएंगे। वो देखो वो भाग रही है और तुम हाथ में भाला लेकर खड़े हुए हो। अरे जाता हूँ मैं, अरे लाता हूँ मैं, जाता हूँ मैं, अरे लाता हूँ मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा, मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा। अरे वो गई, अरे वो गई, अरे गई 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 गई। अरे क्या करूं, जितने भी जानवर आ रहे हैं तुम्हें आज हो क्या गया है, इतने जानवर आ रहे हैं तुम किसी को मार क्यों नहीं पा रहे। अरे कालिका ऐसा लग रहा है कि आज बंदेवा हमसे नाराज हो गए हैं। अरे जितने भी जानवर आते हैं अपनी गति बढ़ाकर भागकर निकल जाते हैं। अरे अब बूढ़ा होने को चला हूं, ना भागा जाता ना दौड़ा जाता, ना किसी जानवर को पकड़ा जाता। मेरे पीठ पीछे भागते हुए देखकर बड़ा दुख हो रहा है। अब तो कोई ऐसा जानवर मिल जाए जिसे मैं खड़ा रहकर मार सकूं। बस कोई बूढ़ा हो, किसी के पांव में चोट लगी हो, ऐसा जानवर दिखा दे। ऐसे कैसे काम चलेगा, आप ही हिम्मत हार जाओगे तो अपने चार चार बच्चों को कैसे पालोगे। कुछ तो मार कर लाओ, दो दिन हो गए उन्होंने कुछ खाया ही नहीं है। अरे शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ बोल, बंदेवा जरूर हमें कुछ ना कुछ जरूर देंगे। अरे देखो मुझे उस झाड़ियों के पीछे कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई जानवर थक कर खड़ा हो गया है। अरे ये तो है, ये झाड़ियों के पीछे इसकी केवल आंखें दिखाई दे रही हैं। बस तू शांत रहे, आज इसकी छाती में ये भाला घोप कर आज रात्रि इसका ही मांस खाएंगे। बस शांत रहे, अब ये नहीं बचेगा। क्षमा क्षमा, हे दिगंबर साधु, हमें क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। आपको आपको जंगली जानवर समझकर हम आपकी हत्या कर देते,
झाड़ियों के पीछे से केवल तुम्हारी आंखें ही दिखाई दी। मेरी पत्नी ने संदेह दिया, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारी हत्या की जाए। लेकिन तुम तो पशु नहीं, तुम तो दिगंबर साधु हो, हमारे बंदेवा हो, हमारे बंदेवा हो। तो क्या हुआ, तुम्हारे हाथों में भाला है? तुम मेरी छाती चीर कर भी मेरी हत्या कर सकते हो? अरे क्या कह रहे हैं बंदेवा, आप हमारे देव हैं, आप हमारी वनों में रक्षा करते हैं, भला हम आपकी हत्या कैसे कर दें? अरे रात्रि में तुम्हें भोजन करना होगा, तो आज रात्रि दिगंबर साधु का भोजन ही कर लो। अरे कैसी बात कर रहे हैं, अरे आप पूजने योग्य हैं, आपको मारकर भला हम कैसे खा सकते हैं? आपको बड़ी पीड़ा होगी बंदेवा, बहुत ही दर्द होगा। जिन जानवरों को मारते हो उन्हें दर्द नहीं होता, जिन जानवरों की तुम हत्या करते हो उनका परिवार नहीं है? अरे सोचो, जिस प्रकार तुम्हारे बच्चे प्रतीक्षा में बैठे हैं कि हमारे पिताजी भोजन की सामग्री लेकर आएंगे, उसी प्रकार जिस जानवरों की तुम हत्या करते हो वो भी तो अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करते होंगे। इसलिए आज के बाद तुम्हें किसी जानवर को मारकर नहीं खाना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, मेरे पूर्वजों ने मुझे जानवरों का मांस खाना सिखाया है, उसके पश्चात मेरे पिता ने, मेरे दादाओं ने हमें जानवर को मारकर खिलाया है। आपके कहने से जानवर का मांस खाना हम नहीं छोड़ पाएंगे। अपने परिवार से इतना प्रेम और दूसरे जानवरों पर इतनी क्रूरता तुम जानते नहीं हो पुरवा। दो उंगली की जीभ के स्वाद के कारण तुमने अपने जीवन में इतने पाप बांध लिए हैं कि तुम्हारा उद्धार कभी नहीं हो सकता। ये पाप पुण्य मैं नहीं जानता, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि मुझे अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करना है। मैं जंगली जानवरों का मांस खाना नहीं छोड़ सकता। नहीं छोड़ सकते ना, तो फिर ठीक है, यदि मांस खाना नहीं छोड़ सकते तो मुझे वचन दो, मैं जो कहूंगा उस आज्ञा का पालन करोगे। पहले आज्ञा बताएं, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी संकट आए, तुम जीवन में कागा पक्षी उस काले कौवे का मांस नहीं खाओगे। अरे देख रही है कालिका, बंदेवा को यह भी नहीं पता कि काले पक्षी का मांस भला कौन खाता है। बंदेवा आप कहते हैं कि जीवन में काले कौवे का मांस नहीं खाना, तो मैं आपको वचन देता हूं कि जीवन में कभी भी काले पक्षी का मांस उस काले कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र को याद करो, मेरे साथ बोलो, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो आर्याणम, नमो उवझायाणम, नमो उवझायाणम, नमो लोई सव्य साहुणम, नमो लोई सव्य साहुणम।
जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। बंदेवा, काका पक्षी का मांस नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अरे मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा, मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा, भीलों का राजा मेरा नाम पुररवा। मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा। चलो काली का, चलो काली का। अरे सुबह से हो गई शाम अकेला, बना नहीं है काम। सुबह से हो गई शाम बना नहीं है काम। अरे ये हो क्या रहा है? अरे जब भी जानवरों को मारने के लिए निकलता हूं, तब तब ना कोई मुझे जंगली जानवर मिलता है। अरे ऐसे तो बच्चे भूखे रह जाएंगे। आज रात्रि जब से उठा हूं, तब से ये शरीर भी मेरा साथ नहीं दे रहा। क्या करूं, ये हृदय की पीड़ा बढ़ रही है, हृदय की पीड़ा बढ़ती जा रही है। कालिका, 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 क्या हूं आपको? काली के, मेरे हृदय में अजीब सी पीड़ा हो रही है, मुझे बचा ले। ऐसा लग रहा है कि आज इस संसार को छोड़ने का समय आ गया। बचा ले, मुझे बचा ले। मैं जी बंदेवा, रक्षा कीजिए बंदेवा, रक्षा कीजिए। अरे पुनर्वा, क्या हुआ तुझे? मैं तो बच्चों के लिए भोजन लेने जा रहा था। ना जाने मेरे शरीर में क्या हुआ। मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। अरे इतनी चिंता क्यों करता है? मैं तुझे औषधि दिए देता हूं, ये ले। इसे नित नियम प्रातः और सायंकाल देने से इनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ कालिका, मैं बच तो जाऊंगा ना, इस परिवार को छोड़कर जाने का मन नहीं है। लेकिन रुको, मैं एक बात बताना भूल गया। इस औषधि का सेवन, इसके सेवन से पुनर्वा की जान तभी बच सकती है जब इस दवाई का प्रयोग कागा पक्षी उस काले कौवे के मांस के साथ होगा। क्या सोच रही है कालिका? मैं ये सोच रही हूं कि कागा पक्षी का मांस लेकर आती हूं, आप थोड़ी औषधि तो अभी खा लेता। नहीं, तुम भूल गई क्या? अरे तुम इतनी जल्दी भूल गई कि दिगंबर साधु के चरणों में बैठकर कागा पक्षी के मांस का त्याग किया था मैंने। अरे मैं नियम को कैसे तोड़ू? लेकिन आप उस दिगंबर साधु की बातें मानते रहे, उनके नियम को मानते रहे तो तुम मर जाओगे। तो मर ले दे। अरे अगर मरता हूं तो मर ले दे। मर ले दे मुझे, लेकिन दिगंबर साधु को दिया हुआ नियम नहीं तोड़ूंगा।
एक छोटे से नियम के लिए अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। वो दिगंबर साधु तुम्हारे बच्चों को रोटी नहीं देने वाले। एक बार नियम तोड़ने से भला क्या जाता है। नहीं कालिका, दिगंबर साधु को दिया हुआ नियम नहीं तोड़ूंगा, चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़ जाए। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोए सर्वे साहुणम। नहीं, आपको एक नियम के लिए ऐसे अपने प्राण नहीं त्यागने चाहिए थे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। तो देखा तुमने, ये थी उस छोटे से नियम की बात। छोटा सा नियम लेकर उस प्ररवा भील ने अपने जीवन का अंत किया। और तुम जानते हो, वही छोटा सा नियम लेकर वही साधारण सा पुरर्वा भील आज हमारे जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं। धन्य है, मैं भी आज के बाद इस नियम को अंगीकार करूंगा परम पूज्य निर्यापक सिरमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी के चरणों में बैठकर यह नियम लूंगा कि आज के पश्चात मैं कभी जीवन में नशा नहीं करूंगा, ना शराब बीड़ी गुटखा नशे की गोलियां, किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं होगा, नहीं होगा। बोलिए आदिनाथ भगवान की।